हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि अभी हर जगह लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं और आप अभी अपनी कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जब हम यहाँ भी अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि जो प्रैक्टिकल मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या एक उसका हिस्सा सुपरफिशियली आपको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब आपके लिए स्टार्ट किया है आपके बी फार्मेसी फिफ्थ फोर्थ दोनों को मिला करके जो भी पॉसिबल हो पाएगा उसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो एक्चुअली डेमोस्ट्रेट ना करके आपको मैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। ये रेगुलर तो नहीं होगा, लेकिन जब भी समय मिलेगा उसके हिसाब से हम आपके लिए इस तरह का प्रैक्टिकल वीडियो ले करके आएंगे। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का एक प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हमको बात करना है हॉट प्लेट एनाल्जेसियोमीटर के बारे में। हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट है वो कहता है टू स्टडी द एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉर्फिन है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ हो, आपको गिवन ड्रग के बारे में भी बोल सकते हैं। इन माइस यूजिंग हॉट प्लेट मेथड, यानी कि हमको ये पता लगाना है कि आपको जो एक सैंपल ड्रग का दिया गया है, क्या ये ड्रग के पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, क्या ये ड्रग पेन के परसेप्शन को कम करने में यूजफुल है। अगर है तो आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। और आप ये जानते हैं कि हमारे फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट के बेसिकली तीन तरीके होते हैं मेनली, इन वीवो, इन विट्रो और इन सिलिको। इन वीवो का मतलब होता है जिसमें हम पूरे एनिमल को एज सच यूज करते हैं, इन विट्रो का मतलब होता है एनिमल को रिस्पेक्ट के साथ सेक्रीफाइस करने के बाद उनके किसी ऑर्गन को बाहर निकाल करके उसके ऊपर स्टडी करते हैं, और इन सिलिको स्टडी मतलब होता है इसमें बिना एनिमल को यूज किए, ना ही इन वीवो ना ही इन विट्रो, एनिमल के ऊपर जैसा हो रहा होता इस तरह की थिंग को सोच करके सॉफ्टवेयर के साइमुलेशन की मदद से स्टडी करे वो इन सिलिको कहलाता है। तो ये जो आज का ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली कह रहा है टू स्टडी द एनालिसिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग इन माइस, यानी कि हमको ये पूरी तरह से दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो है वो माइस है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ इन विवो एक्सपेरिमेंट। हमको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को स्टडी करना होगा कि पेन क्या है, पेन के बाद ये देखना होगा कि एनाल्जेसिया क्या है और एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन कौन से हैं, कब किनका यूज कहाँ होता है, इसके ऊपर हमें पूरा डिटेल एक पीडीएफ में भी वीडियो के फॉर्म में भी ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल में अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के बेसिक पॉइंट को समझते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहना क्या चाहता है। इस ऑब्जेक्ट में कुछ टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहला जो वर्ड है वह है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिया दो अलग अलग चीजें हैं। पहले एनाल्जेसिया को समझते हैं फिर एनाल्जेसिक को समझेंगे। एनाल्जेसिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है, ऐसा फीलिंग जिसमें हमको पेन का परसेप्शन नहीं होता, और एनाल्जेसिक मतलब ऐसा ड्रग जिसको लेते हैं तो हमको एनाल्जेसिया मिलता है, यानी कि एक ऐसा एजेंट जिसको लेने के बाद हमें हमारे दर्द का एहसास कम होता है, दैट इज सिंपली नोन एज अ एनाल्जेसिक। अब दूसरा है यहाँ पे हॉट प्लेट मेथड। हॉट प्लेट मेथड एक तरीका है इवेल्युएशन का एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिसमें हम आपके पेन के परसेप्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे कि टेल क्लिप मेथड, टेल फ्लिक मेथड। सुनने में सेम है, दोनों अलग है, क्लिप और फ्लिप दोनों अलग है, टेल क्लिप, टेल फ्लिक। उसके बाद रेडिएंट हीट मेथड, टेल इमर्सन मेथड, ऐसे और भी मेथड है जिनको हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले समय में देखेंगे। सो हॉट प्लेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि एक प्लेट होगी कोई, उस प्लेट का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा। तो उसी तरीके से गर्म प्लेट के ऊपर आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल को रख करके उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा हॉट प्लेट एनाल्जेसियोमीटर। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को भी समझ लें तो कि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपके नोट के लिए है। जो पेन है वो क्या है, पेन का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग विच इज अनप्लेजेंट इन नेचर, जो कि आपको आपके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालता है, चाहे ये पेन आपका फिजिकल हो चाहे आपका मेंटल हो, ये दोनों में से कोई भी पेन हो, पेन कभी भी आपके लिए प्लेजरेबल नहीं होगा, हालांकि ये आपके लिए बेनिफिशियल जरूर है। बेनिफिशियल मतलब एक प्रकार से यह आपके लिए वार्निंग सिग्नल देने का काम कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि आपकी बॉडी में कोई चीजें हो रही हैं। सपोज आपको कहीं चोट लगती है और आपको पता ही नहीं चलता, तो आप उसके घाव को कैसे ट्रीट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही होती है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें वहां पे पेन नहीं हुआ। और अगर छोटा सा भी कट लगता है और पेन होता है तो चाहे उसमें ब्लीडिंग हो चाहे ना हो, हमारा ध्यान वहां पे जाता ही है। ताकि हम पेन को अच्छे से मैनेज कर सकें, इसके ऊपर ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को फॉलो कर सकें, इसीलिए पेन का जो परसेप्शन है वो
आवश्यक है, लेकिन जब ये आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, ओवर हो जाए, तो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए हमको उसको जल्दी से जल्दी मैनेज करना होता है। और ऐसे ही ड्रग की स्टडी के लिए हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन, और एनाल्जेसिक मतलब होता है जो पेन के अगेंस्ट में काम करे। सो एनाल्जेसिक आर दोज ड्रग विच आर यूज टू गेट रिलीफ ऑफ पेन, जो पेन से हमको रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ऐसे ही ड्रग को हम कहते हैं एनाल्जेसिक। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, वो ये कि कोई भी दवाई आज तक ऐसी है ही नहीं जो पेन को उसके रूट से क्लियर कर सके। ये एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी फीलिंग्स होती है, जहां पे हमारा जो कॉन्शियस है वो उस पेन से हटता है ड्यू टू पाथवे ऑफ पेन। इसके कारण से हमको थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एंड डेप्थ ऑफ पेन आपको वो मल्टीपल डोजेस लेने पड़ सकते हैं। सो जो एनाल्जेसिक ड्रग हैं वो केवल पेन के सेंसेशन को कम करते हैं, उनके थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज करते हैं, ताकि आपके सहन शक्ति थोड़ी सी और बढ़ जाए। लेकिन आगे जाकर के अगर पेन के बारे में बात करेंगे तो वापस से रिलैप हो सकता है। पेन के पीछे जो पेन की फीलिंग के पीछे परसेप्शन है, कारण है, वह आपने ऑलरेडी जाना हुआ है, आपके प्रैक्टिकल्स की जगह थ्योरी में पढ़ा हुआ है, दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, कॉक्स पाथवे। तो यहाँ पे जो मेन दो तरह के कॉक्स होते हैं, कॉक्स वन और कॉक्स टू, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी टारगेट होती है कि अपन कॉक्स टू को अफेक्ट करें, ना कि कॉक्स वन को, क्योंकि कॉक्स वन हमारे लिए हाउस कीपिंग का भी काम करता है। तो अगर आप एनएसएआरडी यूज करके इसको अफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेप्टिक अल्सर के होने की भी संभावना बनती है। सो कोशिश यही होती है कि हम अपना टारगेट कॉक्स 2 को प्रिफर करें, ताकि आपको एडवांटेज मिले और कम से कम अनवांटेड इफेक्ट मिले। तो चलिए आगे बढ़ें। यहां पे मैंने आपके लिए प्रिंसिपल को समझते हुए एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी ऐड कर दिया है, जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी मदद करेगा। डिटेल पे नहीं जाऊंगा। आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है बेसिकली इस पाथवे को फॉलो करती है। तो जब कभी भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं तो यहां पे आपके इसी पाथवे को अफेक्ट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपने थ्योरी में देखा है, इसका डिटेल ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो आप एनएसएआरडी के कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपोइड एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी आपके फोर्थ सेमेस्टर में है, इसे भी आपने पढ़ा हुआ है। तो जो ओपोइड एनाल्जेसिक है वो इस तरह के ऐसे सीक्वेंस ऑफ रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स को कम करते हैं जिनके कारण से पेन का परसेप्शन हमको होता है। बेसिकली कई बार ये आपकी एंट्री ऑफ कैल्शियम को भी अफेक्ट करते हैं, ताकि इनके कारण से जो रिलीज और ट्रांसमीटर हो रहे हैं वो भी कम हो सकें। ये उनके काम करने का तरीका है। ये जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन के रूप में देख रहे हैं, इसका पूरा ऑडियो कमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल है, चाहें आप तो इसको देख सकते हैं। ये आपकी कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था कि टू स्टडी द एनालिसिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग हॉट प्लेट मेथड, तो हमने एक बेसिकली पेन के प्रिंसिपल को समझा, एनालिसिक के प्रिंसिपल को समझा। अब थोड़ा सा मशीन के बारे में, इस एपरेटस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो हॉट प्लेट मेथड है, बेसिकली हम इसमें उस एनिमल को, जिस एक्सपेरिमेंटल एनिमल की हम बात कर रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द केस माइस और रैट दोनों यूज होते हैं, तो वहां पे हम उसको हीट का सेंसेशन कॉज कराते हैं, या यू कहें कि एज अ सोर्स ऑफ पेन, इसको हम लोग जनरली भाषा में स्टिमुलस कहते हैं। तो ये जो स्टिमुलस है वो आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल में थोड़ा डिस्कम्फर्ट कॉज कराएगा, क्योंकि वो गर्म है थोड़ा सा, तो गर्म से हमको प्रॉब्लम होती है। इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, जो हम अक्सर अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, तवे पे रोटी बना रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म तवा आपके हाथों से, उंगलियों से टच हो जाता है, तो आप जाने अनजाने में तुरंत आपकी जो उंगली है वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू आपके मुंह तक पहुंचती है, आप उसको अपने मुंह में रखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि आप कोशिश करते हैं कि जो गर्म सरफेस है वो आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट सलाइवा के कॉन्टेक्ट में आए तो उसे ठंडक एहसास हो सके, क्योंकि दिमाग वहां पर वही काम करता है। तो आप गर्मी से बचने के लिए अपने फिंगर्स को अपने मुंह पर लेके जाते हैं, या कभी यूं समझें कि काफ़ी तेज गर्मी हो रही है, मई जून का मौसम है, और नीचे जो फ्लेस है वो ग्रेनाइट मार्बल का है, ब्लैक कलर का, और आपको नंगे पैर वहाँ पे चलना पड़ेगा, तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला जाए, आप उछल उछल के चलने लगते हैं। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है उसमें आप समझ सकते हैं कि आपका जो हॉट प्लेट है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता होगा। चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, चांसेस हैं बहुत कि वो वहाँ से जंप कर सके, इसलिए इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके चारों ओर एक बाउंड्री लगाते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एडीज हॉट प्लेट। जनरली इसको हॉट प्लेट के नाम से भी एब्रीविएटेड किया जाता है।
इसके मशीन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे उसके वीडियो के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम इस तरह से सेट करके रखते हैं कि वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ना हो ताकि आपके एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और बहुत कम भी ना हो कि उसे उसको सिमुलेशन या उनका जो स्टिमुलस है वो काम ही ना करे। अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हम रखते हैं, और जब कभी भी एनिमल को इसको गर्मी का एहसास होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो वो अपने पाव को लेकिंग करना स्टार्ट करता है, जंपिंग रिएक्शन शुरू करता है। तो हम उसके इस तरह के बिहेवियर को, चाहे वो लिकिंग बिहेवियर हो चाहे जंपिंग बिहेवियर हो, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम दो ग्रुप बना के रखते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल के, एक ग्रुप को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। एक ग्रुप होता है बेसिकली स्टैंडर्ड और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे आपके जो एनालिसिक ड्रग है इसको नहीं देते हैं, केवल पेन के परसेप्शन को कॉज कराने वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं। दूसरे में एक्सपेरिमेंटल नाम से ही आपको सजेस्ट कर रहा है, उसमें आपको पेन भी कॉज कराना है और आपके जो दिए गए ड्रग है उसको भी इवेलुएट करना है ताकि आप देख सकें कि दोनों में बेटर रिस्पॉन्स किस में आ रहा है। सो ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें हमने पेन किलर नहीं दिया, एनालिसिक नहीं दिया, वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा पेन के लिए, उसका जो कॉन्टैक्ट टाइम, उसका जो रिएक्शन टाइम है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर आप उसको ड्रग देते हैं अकॉर्डिंगली, तो वो उस असर के अकॉर्डिंगली आपको उस एनिमल को पेन का परसेप्शन कम होगा, थोड़ा देर से होगा। सो टाइम के फ्लक्चुएशन में इंक्रीज होने से आप समझ सकते हैं कि आपका ड्रग वहाँ पे काम कर रहा है। सो इस इंस्ट्रूमेंट को, जैसा मैंने कहा, इसे हम एडिस हॉट प्लेट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो सकता होगी, जिसको मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं। हमको एक्सपेरिमेंटल एनिमल के लिए माइस को यूज करना है, जिसका बॉडी वेट देखते हैं आप 20 टू 24 ग्राम के आसपास होता है। इन सम केस हम इसमें रैट भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड टू एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसमें ड्रग क्या हो सकता होगी, ये ड्रग तो आपका नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर दिया हुआ है तो वहां पर जो भी आपका ड्रग होगा उसके हिसाब से आपका डोज भी इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा। तो ये वेरिएबल है, ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट इसके लिए जो यूज करेंगे वह है एडिस हॉट प्लेट। सो प्रोसीजर क्या कहता है, जब मैं आपको कहा कि ग्रुप हमको बनाना है तो हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो ग्रुप बनाने होंगे। अगर ये एनिमल है आपका तो बेसिकली रफ में आइडिया करें दो ग्रुप बनेगा। पहला जो ग्रुप होगा वो एक्सपेरिमेंटल का होगा, दूसरा जो होगा आपका स्टैंडर्ड का होगा। इस स्टैंडर्ड में आप चाहें तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को उनके नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं। कोशिश तो हमको यही करनी होती है कि कम से कम एनिमल को यूज करें ताकि उनको अनवांटेड अननेसेसरी पेन ना हो। फिर भी अगर आप रखेंगे तो कम से कम उनको 3, 5, 7 के आसपास रखें, बराबर के हिसाब से ना रखें, यानी कि इवन फॉर्म में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ऑड में रखना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल में भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और इसमें ग्रुप पे जो एनिमल होंगे इसको आपको ड्रग दिया गया ड्रग इंजेक्ट करना है। प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली हमको जो जितने भी एनिमल हैं इनको वे करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, बेसिकली आपको पहचान में आ जाए ये ध्यान रखें। तो आप उनके टेल पे हल्का सा एक टाई कर सकते हैं जिससे उसको पेन ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको उसके साथ ह्यूमैनिटी बिहेव करना चाहिए। इसके बाद हमको उसका जो बेसल रिएक्शन टाइम है माइस का, उसको नोट करना है। ये दो तरीके हो सकता है, या तो उसकी जो पाव लिकिंग है वो हो सकती है, या जंपिंग रिएक्शन हो सकता है। तो इन दोनों को हमको स्टार्ट करना है रिकॉर्ड करते हुए। एक जो नॉर्मल रिस्पांस टाइम है वो लगभग 7 से 9 सेकंड के आसपास होना चाहिए। अगर वो इतने सेकंड में भी रिस्पांस नहीं कर रहा है तो हमको थोड़ा सा और वेट करना है, लगभग 15 सेकंड के आसपास। नहीं तो फिर उस एक्सपेरिमेंट में उस एनिमल को हमको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, कुछ उसमें प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये तैयारी करनी शुरू कर दी। अब आपको ड्रग जो भी आपके ऑब्जेक्ट में दिया गया होगा उसको उसके सूटेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली इंसर्ट करना है एक फिक्स इंटरवल में, और हम उसको वेट करते हैं ताकि उस ड्रग का एक्शन वो दिख सके और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सपेरिमेंटल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू कहना चाहिए कि हम इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर आप ड्रग का रिस्पांस टाइम देखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको टाइम को भी अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितने देर में इसका अच्छा एक्शन मिल रहा है तो आप एक टाइम के स्लॉट के अकॉर्डिंगली 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 120 मिनट इनके बीच में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा रिस्पांस जनरली 30 टू 45 मिनट के आसपास आता है। तो इनका जो रिस्पांस टाइम है हमको उसको नोट करना होगा, ड्रग देने के पहले क्या था और ड्रग देने के बाद क्या है। इसके बाद हमको इसको कैलकुलेट करना है, रिस्पांस टाइम को एवरेज वैल्यू निकालना है, जो आप अभी तक देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिक पार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका एक वीडियो है जिसको मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहें इसके पार्ट को समझना। तो यह है हमारा एडिस हॉट प्लेट एनालिसियोमीटर।
कुछ बेसिक बेसिक पार्ट के बारे में बात करें तो दीज आर द बेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ताकि उनको एक बेस प्रोवाइड कर सकें। यहां पे आप देख सकते हैं टाइमर है, जो टाइमर ये आपको दिखाएगा कि उसका रिस्पांस टाइम कितना है। आपको स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट बटन है, टाइम को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन है, वापस से स्टार्ट करने के लिए ये रिसेट बटन होता है। ये मॉडल टू मॉडल वेरिएबल हो सकते हैं। पावर स्विच है जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। ये थर्मो रेगुलेटर है जिसमें हम टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर आप इसमें रखना चाहते हैं। और कुछ बेसिक असेंबली होती है इंस्ट्रूमेंट की, तो वो इसके अंदर फिट होते हैं। यहां से एक वायर आएगा जो कि आगे जाकर के हॉट प्लेट के सरफेस पे अटैच होगा। जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि इस तरह के कुछ कॉइल्स होते हैं जो कि बेसिकली हीटर का काम करते हैं, तो इस पे करंट जब जाएगी तो ये जो सरफेस है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हीट इस तरीके से आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल के पाव में मूव करेंगे जिससे वो जंपिंग या लिकिंग रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ इसके जो केज के बारे में बात कर ले, अगर हम पार्ट्स के बारे में, तो दिस इज प्रोटेक्टिंग केज, यानी कि ये रैट यहां से जंप ना करे इसके लिए प्रोटेक्टिंग केज है। ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में मिल सके इसलिए ऑक्सीजन का इनलेट है। आपके मशीन को हटाने के लिए, केज को हटाने के लिए केज का हैंडल है, और ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल जिसे आपने रखा है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई और अधिक मेजर पार्ट नहीं है। ध्यान हमको बस यहाँ पे ये रखना होता है कि रीडिंग आप अच्छे से करते रहें। और ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जो भी रिस्पॉन्स आपने अचीव किया होगा एक्सपेरिमेंट से इसको आपको यहाँ पे नोट करके रखना है ताकि इसका रीडिंग निकाल सकें। हमने दो ग्रुप बनाया था, आपको पता होगा, तो दो ग्रुप में हमने पहला ग्रुप क्या लिखा, बेसल रिएक्शन टाइम बिफोर, बिफोर यानी कि इसमें हमने किसी भी एनिमल को ड्रग नहीं दिया, बिफोर मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें उसको ड्रग देने के बाद का है। तो यहाँ पे दो तरह के रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉ लिकिंग या जंप रिस्पॉन्स। तो हमको इसको सेकेंड्स में रिस्पॉन्स नोट करना है। तो आपका इस ग्रुप में अगर मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों आपको मिले, दोनों में से एक मिल सकता है, दोनों में से दोनों मिल सकते हैं, वेरिएबल है, तो कितना टाइम रिस्पॉन्स मिला वो आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे मान लेते हैं इस वाले ग्रुप का जो पहला एक्सपेरिमेंटल एनिमल था उसने पॉ लिकिंग के लिए आपका 6 सेकंड लिया, दूसरे ने आपका 6 सेकंड लिया, और तीसरे ने भी आपका जस्ट एग्जांपल 6 सेकंड लिया। तो हम इसका अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, 6 + 6 + 6 जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया होगा आपने उन सब का इंडिविजुअल और डिवाइड बाय कितने एनिमल आपने लिए हैं। यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, तो यहाँ पे 18 है तीनों का टोटल, और डिवाइड बाय 3, तो एवरेज भी आपका 6 ही आएगा। अगर यहीं पे जंप रिस्पांस टाइम आता तो उसका हम जंप रिस्पांस टाइम करते, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, ये आपके ड्रग देने के पहले का रिस्पांस टाइम था, लेकिन अगर आप इसको हम ड्रग देते हैं आफ्टर वर्ड पे ध्यान दें तो इसका जो रिस्पांस टाइम है वो वेरिएबल होगा। खुद ही सोचिए, जब हमने दर्द को ठीक करने की दवाई नहीं दी है तो ये रिस्पॉन्स टाइम है। अगर दवा काम कर रहा है एक्चुअल में, अगर वो वाकई में एनालिसिक एक्टिविटी प्रोसेस करता है, तो रिस्पॉन्स टाइम है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। थोड़ा सा जो सहने की शक्ति है, जैसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपका अब देखिए, इसी के करेस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं, पावर लिकिंग के करेस्पॉन्डिंग में, तो पहले जो 6 सेकंड रिस्पॉन्स टाइम था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंटल है वो भी 10 सेकंड में, तीसरा भी 10 सेकंड में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वैल्यू वेरिएबल है आपकी यहाँ पे, तो तीनों को हम फिर से जोड़ देंगे। कितना एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी आप जानते हैं, जितना भी रिस्पॉन्स आया, जितना एक्सपेरिमेंटल एनिमल आपने यूज किए, सो इट विल बी आल्सो 30 / 3 = 10। तो जो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था बिना ड्रग दिए वो 6, ड्रग देने के बाद 10। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका लगभग 4 सेकंड ज्यादा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 4 सेकंड ज्यादा है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका एनालिसिक एक्टिविटी काम कर रहा है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आपने इसको निकाला। तो इस तरीके से आज कल प्रैक्टिकल में हमने देखा कि आपका जो दिया गया ड्रग है वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोसेस रखता है, प्रोसेस करता है, शो करता है। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता ऐसा, तो आप कह सकते थे कि इसके पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं है। अगर आप डोज के अकॉर्डिंगली देखते, इस एनाल्जेसिक ड्रग का भी अलग अलग अगर आप डोज बना के देखते कि किस डोज पे कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो भी आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि इस ड्रग का कितने देर बाद टाइम के अकॉर्डिंगली, डोज वही होगा, टाइम के अकॉर्डिंगली कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। ड्रग देने के 15 मिनट बाद क्या रिस्पॉन्स है, उसी का ड्रग देने के 30 मिनट बाद क्या रिस्पॉन्स है, इसी ड्रग का 45 मिनट बाद क्या रिस्पॉन्स है, ये भी आप अपने ऑप्शन में डाल सकते हैं अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके लिए जस्ट पहली बार प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके एक्चुअली में होता क्या है। यह आगे अपलोड होगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो, या अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हम आपके लिए ये भी डाल सकते हैं जब तक कि कॉलेज ओपन नहीं हो जाते। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिस्टिंग दिस प्रैक्टिकल वीडियो।